नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रावत। आज हम अपने घर में थोड़ा ये वो मकान को रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब आप मकान बनाते हो तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे नेपाली भाई लोग हैं जो काफ़ी दूर से यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं। तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं, काफ़ी कर्मठ लोग हैं और कितनी दूर से। तो मैंने दोस्तों पहले भी कहा था, काम किसी पे करो तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। ये लोग मेहनत करते हैं और मेहनत से कमाते हैं ईमानदारी। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग बाहर के हैं तो इनके साथ कोई भी ऐसा इंसान जो मतलब कई लोग में देखे इनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है, इनके साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेचारे दूसरे देश से हमारे देश में यहाँ पर हमारे मदद करने आए, अगर ये नहीं करते तो हमको करना पड़ता। तो इन लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मैंने देखा है, ये लोग काफ़ी ईमानदारी काम करते हैं, बहुत कर्मठ लोग हैं, तो आप देख सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मकान बनाने से पहले काफ़ी यहाँ पर तोड़ फोड़ है, तो काफ़ी यहाँ पर बना रहे हैं। ये देखो, ये भाई, छोटा भाई यहाँ, ये नाम क्या आपका? जफर हुसैन। ये बिहार के, देखो इनकी उम्र कितनी, अभी समथिंग 18 साल के। देखो 18 साल बेचारे यहाँ पर, देखो मेहनत से अपने के लिए मजदूरी पैसा कमा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है मेहनत भी। आप किसी भी विभाग में मेहनत है, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे उसमें मजदूरी में हो, मतलब सब जगह मेहनत है। तो अपनी ईमानदारी और मेहनत की रोटी खाते हैं लोग, तो मुझे बहुत खुशी इन लोगों से। हाँ जी, आपका गाँव कहाँ पर है, मतलब नेपाल कहाँ पर? नेपाल रुकमे जी। रुकमे जी में? तो आप कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? इमर तो अभी तो 54 है। हाँ, आ तो बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है आपकी? नेपाल में, मतलब जो आपकी मैडम, बच्चे कितने? ये बच्चे है। अच्छा, अभी घर भी गए आप? अच्छा, जैसे आप यहाँ पर मजदूरी करते हैं तो इसका कुछ फायदा मिलता है आपको? जैसे अब मैंने सुना था कि जो यहाँ का पैसा वो नेपाल में थोड़ा डबल हो जाता है, ठीक है? जो बहुत बढ़िया होना भी चाहिए। हाँ जी, आपका नाम? अच्छा जी, आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हम तो बस बचपन से ही चल रहे हैं। बचपन से? अरे बाबा, तकरीबन आपको मतलब 30 साल या समथिंग 30 साल हो गए होंगे, है ना? अच्छा, तो घर में आपके कौन कौन है? आपका कब जाते हो घर, मतलब किस सीजन में जाते हो, जिसमें काम नहीं होता आपके पास, या फिर मतलब जाते रहते हो, कब जाते हो? लेकिन अब काम तो अब खेती किसान, अब गाय भैंस पालते हैं ना। अच्छा, अब जैसे बैठने के टाइम हो गया, बचपन से इधर ही आने जाने का आदत पड़ गया। तो आपको ये बताओ कि अपना देश के हिसाब से वैसे यहाँ पर अच्छा तो लगता नहीं, तो मजदूरी आपकी मतलब मेहनत है कि आप यहाँ पर मतलब हर कोई, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, मतलब एक देश से दूसरे देश में या दूसरी जगह जब कोई नौकरी करने जाता है तो आप भी उसी तरह से आए हो, तो मतलब इसमें आपको पड़ जाता है, मतलब मीन जैसे आप दिन भर मजदूरी करते हो या डेली आपको ऐसे बेस काम मिलता नहीं होगा? ना, ऐसे तो पैसा खाली बैठना पड़ता है। अच्छा, तो दिहाड़ी भी लगभग आपकी कितनी होगी? पहले तो मुझे पता था, पहले तो आपकी 200-300 करती, अभी कितनी हो गई समथिंग? तो 600 रुपये। अच्छा ठीक है, हाथ मजदूर भी आपकी भी। हाँ भैया, आप, आपका नाम? मेरा नाम भद्रा बहादुर बोली है। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ से अभी 2 महीना हुआ। अच्छा जी। मैं पहले इंडिया गोवा में रहता था, ऐसे छोटा मोटा। अच्छा जी। अभी थोड़ा दिन के बाद खेती वगैरह लगाने के। अच्छा, तो आपकी खेती भी घर में, तो मैडम लोग करते होंगे यहाँ पर? अच्छा, देखो इन लोग, देखो इतने दूर से आए यहाँ पर, अब ये घर में इनके ऐसे नहीं बोलना है कि इनकी खेती नहीं होगी, ये लोग इनके खेती में, तो इस सीजन में घर में जाते हैं, मतलब जब इनका सीजन होता है, जब इनका सीजन ऑफ होता है, जैसे कोई मजदूरी नहीं मिली तो ये काम लोग करते हैं। तो देखो अभी जैसे हम यहाँ पर घर बना रहे हैं, तो दोस्तों घर बनाना कोई ऐसी नॉर्मली बात नहीं कि कल बनाए। आप जब भी मकान बनाते हो तो जरूरी पहले प्लानिंग बनाओ, उसके बाद एक दूसरे को पूछो क्या करना। तो देखो मजदूरी और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठेकेदार भी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आपने बनाना प्लानिंग से बनाना है। और मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर, चाहे बिहार के हों चाहे वो नेपाल के हों, तो इन लोगों से कोई भी मतलब मिसबिहेव न करें। मैंने कहीं देखा है लोगों को, देखा मैंने कि कई लोग इन लोगों से मिसबिहेव करते हैं, तो बहुत गलत बात है। क्योंकि बेचारे दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, और कई लोग मैंने देखे यहाँ पर जो नौजवान हैं, कोई इनके साथ बदतमीजी करता है, कई देखे मैंने डांटा भी कई बार, तो ये गलत है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ ये आप नहीं करें। इनके हमारे एक अतिथि देव भव बोलते हैं जिसको, ये हमारे गढ़वाल में है, तो इनके साथ अच्छा से अच्छा बिहेव करें तो बहुत ही अच्छा। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।